आदरणीय उषा बहन जी, आदरणीय रक्षा मेहता जी, सतीश भाई सहनी जी, विद्वजनों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आज गांधी जी और आज़ादी के जो शहीद हुए उन सबको श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ और एक तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज 6 दिसंबर को 105 वर्ष पहले जो घटना हुई थी काले कानून की, रोलेट एक्ट का, जिसका यहाँ से वो हुआ, तो ऐसे ही इस ऐतिहासिक स्थान पर आने का मुझे मौका मिला और इससे मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पिछले 4 वर्ष पहले बहन जी से राजभवन में, राष्ट्रपति भवन में, जब गांधी जी की 150वीं जयंती के बारे में पूरे देश के लोगों के साथ, इसमें प्रधानमंत्री और स्वयं राष्ट्रपति उपस्थित थे, अन्य लोग भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता, तो वहीं बहन जी से पहली बार भेंट हुई है और ऐसा लगा कि वर्षों से जिस बात की मुझे वो थी, तो वो दूर से मेरा नाम देख करके वहाँ पर आ गए। मुझे जैसे ही मणिभवन का नाम सुना तो बहुत ही मैं गदगद हुआ और उस समय उन्होंने कहा था कि कभी मणिभवन आना। तो एक तरफ से जब पिछले दिनों लैंडलाइन से एक फोन आया बम्बई का, तो वो जब तक मैं फ़ोन उठाता तब तक वो कट गया था, तो मैंने फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं किया फ़ोन, क्योंकि आपने डायरेक्ट वो लैंडलाइन वो किया। तो मैंने फिर कहा, देखा कि ये नंबर किसका, तो उसमें देखा मणिभवन गांधी संग्रहालय, तो बहुत उत्सुकता हुई। तो कुछ मिनटों बाद बहन जी का मोबाइल से फिर फ़ोन आ गया, अब बिना सोचे समझे, क्योंकि अब मैं उम्र के चौथी उम्र के बिल्कुल चौथे उसमें हूँ, माने 90 वर्ष में हूँ, तो अब इधर उधर जाना कम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस समय का आपका आदेश था, तो मैंने सीधे सीधे हाँ कर दिया। अब पिछले 10 दिनों से मैं अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मुझे मणिभवन जाना है और परसों तक मुझे बड़ा वो था कि कहीं मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ न हो जाए जिस कार्यक्रम में वो होगा। तो फिर बहन जी कहेंगे कि इन्होंने एक तरफ से टाल बराई कर दी। तो आज यहाँ उपस्थित होकर के मैं अपने को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इस ऐतिहासिक भवन से देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़े बड़े निर्णय हुए और इसके साथ साथ जैसे कि बहन जी ने भी कहा कि काले कानून का, जो रोलेट एक्ट का, यहीं से वो हुआ। और जैसे मैं आज ऊपर देख रहा था कि कई सारी समस्याएं देश के जो उस जमाने के राष्ट्र नेता हैं वो सब यहाँ इस भवन में, तो यहाँ पर न जाने कई लोगों के चरण आए, तो मैं सब उस सबसे बहुत ही अभिभूत हूँ। और यहाँ जो पुराने और नए कार्यकर्ता और ट्रस्टी इत्यादि हैं उन सबको भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि गांधी जी की विरासत को, गांधी जी के विचार को आप आज तक भी मैंने लगातार बनाए रखे हैं और बिल्कुल समर्पण भाव इसमें आप लोगों ने लगाया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, न्यासियों को, मुख्य न्यासियों को, सभी को इसके लिए साधुवाद देता हूँ, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। मैं एक तरफ से मैंने जो बात आप लोगों से सीखी, मैंने मणिभवन से और अपने साबरमती नदी ने जो बात हमको सत्याग्रह की सिखाई, उसी बात को कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ और साधुवाद, क्योंकि यहाँ से और वहाँ से हमको बहुत सारी बातें। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि साबरमती नदी ने सत्याग्रह का जो पाठ हमें पढ़ाया, या मणिभवन ने जो पाठ हमको सत्याग्रह का पढ़ाया,
उसका हमारा हमारे पर्यावरण और गंगा की मुख्य धारा अलकनंदा नदी और उसके किनारे बसने वाले हजारों हजार लोगों की किस प्रकार से रक्षा की है, और वो रक्षा की है चिपको आंदोलन के कारण। उसमें गांधी विचार का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, ये एक अलग। तो चिपको आंदोलन का मतलब हम पेड़ों को कटने से बचाएंगे और कुल्हाड़ी वालों से कहेंगे जो पेड़ काटने के लिए आते हैं कि तुम्हारी कुल्हाड़ी पर ताकत है तो पहले हमारी पीठ पर मारो, तब जा कर के आप पेड़ काट सकते हैं। तो इस प्रकार से आज से 50 साल पहले ये विचार वो हुआ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग तो बहुत हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र के बहुत साधारण लोग हैं, साधारण सभी साधारण, और उस जमाने में 1960 के करीब हमारी सीमा पर चीन की सेनाओं की हलचल बढ़ी और उस समय देश और दुनिया के एक असाधारण आदमी गांधी के विचार हम तक पहुँचे, और उन विचारों को पहुँचाने वाले जयप्रकाश नारायण जी बद्रीनाथ की यात्रा पर प्रभावती जी के साथ आए थे, और उन जो मोटर यार्ड था वहाँ पर मैं भी था, तो वहाँ पर उनकी एक सार्वजनिक मीटिंग रखी गई, तो वहाँ पर उन्होंने समता और समरसता के बारे में कहा, इसी प्रकार भूदान आंदोलन गांधी विचार के बारे में। तो एक तरफ से हमको उस दिशा में सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार की सामाजिक असमानता है, उसको कैसे हम दूर करें। उसी दौर में आचार्य दादा धर्माधिकारी भी 1961 के करीब, उनके साथ विमला बहन ठक्कर भी थी, तो वो हमारे गांव में आई, उत्तराखंड के गांव-गांव में घूमे, और उन्होंने 3-4 शब्द गांव में सहज भाषा में कहा। पहले तो उन्होंने निर्भयता की बात बताई गांधी विचार का, और उसमें चंपारण सत्याग्रह की बात उन्होंने बताई कि गांधी जी को जो शुक्ला था वो चंपारण में जो नील की खेती थी उसके अत्याचार को दिखाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन गांधी जी से पटना में किसी ने पूछा कि आप इस बारे में कुछ कहें, उन्होंने कहा कि जब तक मैं स्वयं न देखूं, स्वयं न समझूं, तो तब तक मैं कोई भी वक्तव्य देने के लिए तैयार। तो वो चंपारण गए, और वहाँ गए तो बाद में अंग्रेज सरकार तो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि 20 साल तक जो वो अपने अफ्रीका में जो सत्याग्रह चलाया था, अभी वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, उससे पहले जितने भी कार्यक्रम होते थे तो वो बड़े बड़े लोगों के यहाँ होते, लेकिन ग्रामीण स्तर पर पहली बार गांधी जी चंपारण में गए, वहाँ वो आंकड़े इत्यादि तथ्यात्मक ढंग से ढूंढे, और अंग्रेजों ने जैसे कहा कि साहब वहाँ के जज मजिस्ट्रेट ने कि आप ये इलाका छोड़ दो, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारी जो गलत नीति है उसको समाप्त करने के लिए आया हूँ, और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ कहा कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं, तुम्हारे पास जो भी दंड है। तो एक तरफ से उन्होंने कहा कि ये निर्भयता का पहली बार गांधी जी ने, क्योंकि उससे पहले कोई कहता था कि आपने राष्ट्रद्रोह कर दिया तो वो अपनी दलील देता था, लेकिन गांधी जी ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि आप जो भी दंड देना चाहते हैं मैं उसको स्वीकारता हूँ। तो एक तो उन्होंने वो चंपारण की बात कही। उसके बाद गांधी जी का काफ़ी जैसे अहमदाबाद में जो मिल वाले थे या बम्बई में जो मिल वो जो कारीगर थे उनका आंदोलन, फिर खेड़ा का जो रेवेन्यू वाला वो चला, और अंत में यहाँ का उसके बाद जलियांवाला बाग तक का। तो आज इस सप्ताह में ये तो मैंने कहा नहीं कि दादाजी ने संक्षिप्त में ये बात कही कि पहला तो निर्भयता, दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जिम्मेदारी को, जैसे चोरा चोरी में जब आंदोलन चला उसमें कुछ हिंसा होने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी हिंसा मेरे लिए स्वीकार नहीं है, उन्होंने अपना आंदोलन
वापस उनके जो साथी थे जिसमें लाला लाजपत राय इत्यादि भी थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने वो आंदोलन वापस लिया। लेकिन वो अहिंसा की शक्ति को पहचानते थे। उन्होंने कहा हिंसा है तो मैं बिल्कुल मनसा वाचा करूँगा। इस प्रकार से उन्होंने दूसरी तीसरी बात दादा धर्माधिकारी ने जो हम गांव गांव में कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ये 1961 अक्टूबर की बात है। उन्होंने गांधी जी का जन्मदिन भी जोशीमठ जो अभी बहुत हुआ वहीं पर, तो उन्होंने तीसरी बात कही थी विश्वास की बात। उन्होंने कहा कि जब आज़ादी के आंदोलन में हम जेल में थे तो एक दिन जेलर हमारे बैरक के पास आए और उन्होंने जो और कर्मचारी थे उनको कहा कि इस बैरक पर ताला मत लगाओ क्योंकि ये गांधी जी के लोग हैं। दादाजी ने कहा कि उससे पहले जो हम कैदी थे हम कहते थे कि साहब गांधी, हम चुपके से बाहर से कोई चीज़ मंगा लेते थे, चिट्ठी भी भेजते थे। तो उन्होंने कहा कि जब जेलर ने कहा कि ये तो गांधी के आदमी हैं यहाँ ताला लगाने की जरूरत, ये तो स्वेच्छा से आए हैं और गांधी के, तो इतना विश्वास जब गांधी के दुश्मन का भी था तो वो कह रहे हैं कि जो भी हमने गड़बड़ी की उसके बाद हम सतर्क हो गए। मैंने एक तरफ से विश्वास गांधी के बारे में, उनके दुश्मन का भी जो विश्वास। तो इस प्रकार की जो तीन चार शिक्षाएँ उन्होंने दादा धर्माधिकारी एक सप्ताह तक हमारे पूरे बल्कि हमारे गोपेश्वर गाँव में भी रहे, जो मठ में भी रहे। तो इस प्रकार से गांधी विचार के संपर्क में हम आए और उस दौरान जैसे भूदान ग्रामदान आंदोलन था तो हम शुरुआत में तो उसमें गए और हमको ग्रामदान भूदान के लिए हमने हस्ताक्षर भी करवाए लेकिन वितरण नहीं हो पाया। पहाड़ों में वैसे ही जमीन, खेती की जमीन बिखरी हुई छोटी, जोत भी बहुत छोटी थी, तो वो जो भूदान में किसी ने दस्तखत कर भी दिए थे तो वो वितरण नहीं। लेकिन दूसरी बात जो हमें लाभ हुआ वो ये हुआ कि हमारा जो उत्तराखंड है एक तरफ तो काली नदी है उसके पार नेपाल है और इस तरफ पश्चिम की तरफ यमुना नदी है, यमुना के बाद हिमाचल प्रदेश है टोंस के। तो हमको ये सारे इलाके के जमीन तो हम वितरण नहीं कर पाए। गांधी विचार को तो ज़रूर पहुँचा है लेकिन जो जंगल की समस्या है वो हमारे समझ में आई, पानी की समस्या और उसका जो भुक्तभोगी है जो महिलाएं, जो गृहस्थी के संचालन की मुख्य धुरी है पहाड़ों, वो समस्या समझ में आई। उसी बीच क्योंकि 62 में चीन ने सीधे सीधे जैसे अपने अरुणाचल प्रदेश में नेफा कहते थे वहाँ तो उनकी सेना इत्यादि हमारे इलाके में आ गई थी, तो उस समय विनोबा और जयप्रकाश नारायण ने उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से कहा कि चीन का जो मुकाबला है उनकी सेना है उसका मुकाबला तो हमारी सेना करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके पास एक विचार भी है, उस समय साम्यवाद का विचार, और वो गरीबों को आकर्षित करेगा, इसलिए इस विचार के मुकाबले में, क्योंकि बंदूक का मुकाबला तो बंदूक करेगी लेकिन विचार के मुकाबले में गांधी का विचार श्रेष्ठ है। लेकिन केवल श्रेष्ठ होने से वो नहीं, जब तक वो व्यवहार में नहीं हो, क्योंकि गरीब के लिए उसकी आजीविका के सम्मानजनक रोजगार के अवसर न हो तब तक वो हो नहीं सके। तो इस प्रकार की बातें वो हुई। तो हम लोगों ने जो सीमा क्षेत्र जैसे चमोली जिला है वो चीन से मिला हुआ है, माना सीमांत जिला है। 1960 में पहले हमारा गढ़वाल जिला था तो हमारी जो तहसील थी चमोली की उसको जिले का रूप दिया गया, जिसके कारण अति विकास हो सके, लोगों का ध्यान उस तरफ न जा सके। तो चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी ये तीन तहसीलें थी, इनको जिले का रूप दिया। तो सरकार ने तो जो कुछ भी कहा, पर हमने क्योंकि ये गांधी जब विनोबा ने जयप्रकाश जी ने ये बात कही कि विचार के मुकाबले में श्रेष्ठ विचार होना चाहिए, वो आजीविका के साथ भी सम्मानजनक है, तो हमने अपने समाज के बारे में, अपने आसपास के बारे में देखना, सुनना, समझना। वो क्या हमने देखा कि हमारे पहाड़ के जो युवा हैं और लड़के सब मैदानों में बर्तन मांजने के लिए या पलायन कर लेते हैं, और जिसको एक तरफ से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, माने नागरिकों की सीमा पर दूसरी रक्षा पंक्ति, तो उस रक्षा पंक्ति को कैसे मजबूत बनाएं। तो इसलिए हमने उनके लिए कुछ काम जो वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन थे
जिसका केवल दोहन होता था बाहर, तो उसके बारे में सोचना विचारना शुरू किया और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रारंभ में जैसे वन श्रमिक सहकारी समिति का गठन किया। यहाँ पर हमने खेर साहब का जो वनवासियों को कई बार कोले इत्यादि में उसमें, तो पहला जो हमारा वो था कि महाराष्ट्र की वन श्रमिक समितियों के तरह उत्तराखंड में भी उनको भी मान्यता दी। उस जमाने में एक समाजवाद बहुत प्रचलित हुआ था, तो हमने कहा कि भाई यदि समाजवाद तो जो सीमा क्षेत्र के लोग हैं जो दूसरे नागरिकों की रक्षा पंक्ति है उसको मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम, तो हमने सारे जो बेरोजगार युवक थे उनके संगठन खड़े किए, वन श्रमिक सहकारी समितियाँ बनाई और उसमें जो गांधी जी का अन टू दी लास्ट वाला भी पढ़ा था तो उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं पर और कारीगर मजदूर सबको इकट्ठा किया, लेकिन उनके जो संस्कार शिक्षण के लिए भी जैसे हम शुरुआत में सड़क बनाने का काम शुरू किया तो उसमें ये केवल श्रम के अलावा हम सुबह प्रार्थना जो सर्वधर्म प्रार्थना है गांधी जी की, ये नम्रता के सागर वाला और रविन्द्रनाथ ठाकुर का कि जहाँ मन निर्भर हो मस्तिष्क ऊँचा रहे, वो प्रार्थना भी करते थे, तकलीफ भी वो करते थे जो सामान्य मजदूर इत्यादि थे और जो आधा पढ़े लिखे लोग थे, और इस प्रकार से भजन कीर्तन इत्यादि गांधी विचार का भी और इसके साथ साथ माने कॉन्ट्रैक्ट का काम भी करते थे। और उसमें ये था कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे आम मजदूर हो, सबको एक ही समान पारिश्रमिक भी देते थे, जितने दिन जिसके हैं उसके हिसाब से। जो ऑफिस में काम करेगा तो उसको बाकी समय में वो औरों के साथ श्रम करेगा, तो इस प्रकार से आजीविका के कुछ साधन शुरू। यद्यपि वो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जो काम वहाँ पर पहले नहीं हुआ था उस काम को हमने शुरू किया और लोगों को ऐसा लगा कि कैसा, उसका बहुत प्रभाव भी पड़ा। सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, एक बार हमारे कैंप में आई तो उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट रूरल मैन पावर यूटिलाइजेशन फेयर वाइल्ड लेबर कोऑपरेटिव प्रोफेसर इन पेरिस। उन्होंने जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वहाँ का उदाहरण दे करके उन्होंने हमारी पूरी टीम को देखे और लगभग 24 घंटे तक हमारे बीच में रहे वो हमारे गांव में गोपेश्वर में। उन्होंने कुछ लोगों से पूछा भी होगा तो इस प्रकार से उन्होंने जगह जगह कहा कि राष्ट्र निर्माण में आप लोगों को आगे आना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तो इस प्रकार की। अच्छा, लेकिन उसी में से उन्हीं कार्यकर्ताओं में से हमने देखा कि जो ज़्यादा कुशल कार्यकर्ता है उनका हमने विकास कार्य के लिए एक संगठन बनाया दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, और उसमें मुख्य रूप से खादी और ग्राम उद्योग के कार्यक्रमों का जो वहाँ के वनोत्पादन के कार्यक्रम है, चाहे वो औषधीय पादप हो चाहे गौण वन उपज इत्यादि, और उसके लिए प्रशिक्षित किया। जैसे मधुमक्खी के बक्से बनाने पहले बाहर से आते थे तो हमने वहीं उनको वो किया, इसी प्रकार हलनाशी इत्यादि इसका वो किया। लेकिन हमको बाद में लगा कि सरकार की ऐसी नीति है कि वहाँ का जो कच्चा माल है वो 400 किलोमीटर दूर बरेली सीतापुर में तो सस्ता दिया जाता है, और यदि हम पर्वतीय क्षेत्र में उसका सम्मानजनक ढंग से लोगों को रोजगार देते हुए उसका गौण वन उपज का कुछ वो करते हैं तो उसमें एक तो उसके मूल्य में भी अंतर रहा। और जैसे कोई चीज़ गोपेश्वर के पास है तो गोपेश्वर न दे करके वो देहरादून 200 किलोमीटर, तो इस प्रकार से। और जो बड़े बड़े कारखाने थे उनको 200 रुपये सस्ते में रेजिन टर्पेंटाइन इत्यादि को दिया, और जो लोकल इकाई थी तो उससे हमको वन नीति के बारे में एक समझ बनी कि ये सरकार की नीति बहुत गलत है। दूसरा ये हुआ कि उसी दौर में 1960 और 70 के बीच में वहाँ के जंगलों को बहुत बड़े रूप में सरकार ने नीलाम करवाए कटवाए, और उसके कारण ये हुआ कि जो संवेदनशील इलाके थे वहाँ भूस्खलन भूक्षरण हुआ, और 1970 में
अलकनंदा नदी जो गंगा की मुख्य धारा है उसमें प्रलयंकारी बाढ़ आई और उस बाढ़ में बद्रीनाथ से 25 बसें आ रही थी वो भी बही और हेमकुंड से भी थी कुछ बसें और 500 एकड़ ज़मीन लोगों की नष्ट हुई और गंगा नहर जहाँ से आती है हरिद्वार के पास जो जहाँ से गंगा वो भी वहाँ से ऊपर से जब बाढ़ आई तो उस सिल्ट से चौप हो गई थी, पूरी बंद हो गई थी 10 किलोमीटर तक और 3 मीटर ऊंचाई तक वो सिल्ट हो गई थी और बहुत सारा नुकसान ऊपरी इलाके में। तो हम लोग उस समय आज जैसे कहीं कोई डिजास्टर होता है चाहे अर्थक्वेक हो लैंडस्लाइड होता है तो क्योंकि बाहर की एजेंसियां भी पहुंच जाती हैं लेकिन उस समय ऐसा था नहीं। तो हमारी छोटी सी संस्था थी, हम 20-25 किलो राशन अपने पीठ में लेकर के गांव-गांव गए जहां जो नुकसान हुआ लेकिन उसके साथ साथ हमने समझने का प्रयास किया कि ये बाढ़ क्यों आई। तो लोगों ने भी बताया, हमने भी देखा कि जहाँ जहाँ जंगल कटे अलकनंदा की जो ट्रिब्यूटरी थी पाताल गंगा गरुड़ गंगा पिंडर इत्यादि अलग अलग तो जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ लैंडस्लाइड हुआ और उसके कारण अलकनंदा बौखलाई इतना सारा नुकसान। तो हमने एक नोट बनाया था तो उस समय मदद की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे पता चला कि जयप्रकाश जी दिल्ली से पटना जा रहे हैं, दिल्ली में अमुक ट्रेन में आने वाले हैं तो मैंने एक नोट बनाया था और उनको दिया कि तो उन्होंने क्योंकि उससे 2 साल पहले 1968 में वो गोपेश्वर में वो सीमा क्षेत्र बॉर्डर एरिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जयप्रकाश जी की अध्यक्षता में बनी थी तो पूरे हिमालय के लोगों को जो चीन का आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तो वहाँ पर ढेवर भाई ध्वजा प्रसाद साहू देश के सारे जो रचनात्मक कार्यकर्ता थे उनकी गोपेश्वर हमारे गांव में मीटिंग हुई थी 3 दिन तो इसलिए परिचय था। तो मैं जयप्रकाश जी के पास ट्रेन में ही मिला मैंने तो उन्होंने तत्काल बिहार रिलीफ कमेटी की ओर से हमें 10,000 रुपया लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन वो नोट मैंने फिर उस समय डॉक्टर के एल राव सिंचाई राज्य मंत्री थे भारत सरकार में तो हमने कहा भाई ये जो बाढ़ आई जिसमें इतना नुकसान हुआ ये मानवकृत बाढ़ है या प्राकृतिक है, आप इसके लिए कमेटी बनाई। तो बाद में पता चला कि उन्होंने वो कमेटी बनाई और कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी ये तो मालूम नहीं है लेकिन जब उसी इलाके में जहाँ 1970 में बाढ़ आई उसी इलाके में उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से पेड़ काटने के लिए पेड़ों पर छापा लगा दिए थे और हजारों हजार पेड़। तो दो समस्याएं हमारे सामने थी, एक तो वहाँ स्थानीय जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उनको कच्चा माल देने के लिए कई बहाने लगाते थे, महंगा दे रहे थे क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमको एक तरफ से चिपको आंदोलन के लिए 10 साल कम से कम लगे उसको, जैसे मैंने जो चिपको की बात कही कि पेड़ों पर चिपकने की बात तो उसके लिए 10 साल वहाँ की परिस्थिति को समझने के लिए कम से कम 10 साल लगे जिसमें लेबर कोऑपरेटिव हुई फिर दसोली ग्राम स्वराज मंडल फिर ये भी हुआ। पहले ये होता था कि जैसे बैल के कंधे में या हल नासी इत्यादि होता है वो एक खास लकड़ी से बनती जैसे एक अंगूर लकड़ी को होता है कोमल होती है हल्की होती है तो बैल के कंधे में उसको रखते हैं तो कंधा छिलता नहीं बैल उससे ठीक से चल जाते। तो वन विभाग ने कहा कि ये लकड़ी आपको नहीं दी जा सकती, इस लकड़ी का जो है बैडमिंटन और टेनिस के फ्रेम के लिए अपने चेकोस्लोवाकिया की कोई कंपनी थी इलाहाबाद में उनकी साइड उसको देंगे लेकिन आप चीड़ की बनाइए, चीड़ की लकड़ी आपने अधिकांश चीड़ देखा हो वो उसमें एक तो लीसा होता है भारी होती है तो मतलब यह कि लोगों ने कहा कि इस लकड़ी के बारे में यदि आप कह रहे हैं कि इसका बनाओ आप जुआ अलनासी तो तुम्हारा बैल भी हंस जाएगा कि ये कैसे हुआ है। तो उस दौर में हमने समझाने का प्रयास किया, अंतिम ICS था जो वन सचिव था प्रकाश कृष्ण, चीफ सेक्रेटरी थे सतीश चंद्र, उनको समझाने का प्रयास किया वो बिल्कुल भी नहीं माने कि नहीं साहब आप लोग, तो उससे भी लोगों की भावनाएं उत्तेजित होने लगी। अब आंदोलन तो होना ही था, हम लोग सर्वोदय गांधी विचार से जुड़े आंदोलन जैसे जंगल के आंदोलन कई इलाकों में होते हैं हैदराबाद में आजकल भी कई जंगल के इलाकों में आज
लेकिन हमने मतलब यह है कि एक तरफ से क्योंकि गांधी विचार से जुड़े हुए थे तो 1971 में सल्लाबाई जी जो गांधी जी के अंग्रेज शिष्या थे उनकी अगुवाई में गोपेश्वर में एक प्रदर्शन हुआ था। एक तो उसमें वन समस्याओं के बारे में, दूसरा अस्पृश्यता निवारण के बारे में, तीसरा शराब बंदी के बारे में। क्योंकि शराब जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड में गृहस्थी के संचालन की मुख्य धुरी महिलाएं होती, जंगल का काम करना हो तो महिलाएं करें, खेत का काम करना हो तो और घर का काम करना, और ऊपर से पति शराब पी करके आता है उसको पीटता भी है, और दूध यदि मिलता है तो वो बाजार में जा कर के दूध बेच करके अपने को शराब पी कर। तो महिलाएं हम जब भूदान ग्रामदान आंदोलन के कारण तो वो बहने हमको अपनी व्यथा बताती थी कि भाई जी हमारे ऊपर ये। तो पहला जो वो हुआ 1966 में हम लोगों ने शराबबंदी के लिए, और महिलाएं फिर 1968 तक तो चमोली जिले में पूरी तरह से शराबबंदी पिकेटिंग किया बिल्कुल गांधीयन उस पर, और 1971 में फिर तैयारी में शराबबंदी। तो उसमें जगह जगह से महिलाएं आई, लोग आए और जेल तक गए, और आखिर में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी कर दी थी। 20 साल तक वो शराबबंदी रही। फिर कि किसी को शराब बेचनी थी तो मिलिट्री के नाम पर कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए हम खोल रहे हैं, इस प्रकार से बाना बाजी। तो 1990 तक माने 1971 से और 1990 तक पूरी तरह से एक तरफ से उतरा। तो ये महिलाओं का पुरुषार्थ था। लेकिन जहाँ तक चिपको आंदोलन की बात है कि उसकी ये जो दो घटनाएँ हैं, एक तो जो परंपरागत उनके संबंध थे जंगलों के प्रति, वो जंगल की रक्षा भी करती थी और जंगल की उपादेयता प्राप्त करने में उनका तिरस्कार। पहले लोग जंगलों का रक्षण भी करते थे और युक्ति युक्त उपयोग माने जो जरूरी है, पेड़ की टहनी सूखी हो गई तो उसका अपने चूल्हा जलाने के लिए वो करते थे, लेकिन कभी भी हरा पेड़ नहीं काटते थे ये सारा। और बाहर के लोग जो जंगल पर दबाव डालते थे उसके लिए अपने बारी बारी से चौकीदारी इत्यादि इस प्रकार। लेकिन जो नई व्यवस्था आई उससे जंगल के साथ संबंध वो होने लगे। तो 2 साल तक लगातार ये सोचते रहे कि आंदोलन करेंगे आंदोलन करेंगे। सरकार को मैंने बताया कि प्रकाश कृष्ण जी ICS थे, सतीश चंद्र जी उनको लिखा, कई बार मिलने भी गए। जब उनको गए तो मैंने पहली बार सतीश चंद्र जी ने नहीं प्रकाश कृष्ण जी अपने सिगार पीते रहे हमने देखा ही नहीं। जब हमने ये समस्या बताई उनको तो वो हमारे मुँह में धुआं वो करने लगे, और वो कौन जब हमने ये कहा कि ये दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा उनकी बात कुछ अलग है। तो इस प्रकार से तिरस्कृत होकर के फिर इतफाक से जो चेकोस्लोवाकिया वालों को जो पेड़ दिया जा रहा था कंपनी के लिए, साइमन कंपनी के लिए, तो उनका ठेकेदार इतफाक से एक दिन, क्योंकि हमारा जो एक तरफ से जिनके साथ हमने लड़ना था उस समय गोपेश्वर आज की तरह होटल धर्मशाला इत्यादि हमारा ये कमरा था, तो वहाँ वो ठेकेदार के लोग रात को ठहरे थे। तो सुबह मैंने कहा ये कौन है, उन्होंने कहा कि साइमन वाले हैं। वो दो लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम पैसा जमा करने आए हैं और जैसे हमको याद मिलेगी तो फिर। तो मैंने कहा कि भाई हम पेड़ नहीं काटने देंगे, पेड़ों पर अंगूठा मार देंगे, अंगूठा माने अंग भर देना। इस प्रकार से जब बात हुई तो क्योंकि उससे पहले जो सत्याग्रह का स्वरूप था क्या हो, ये हमारा एक्शन कैसे करें, क्योंकि जंगल की लड़ाई बहुत ही संवेदनशील लड़ाई थी, थोड़ा भी गड़बड़ हो गई जैसे वहाँ साम्यवादी पक्ष के लोग भी थे सभी थे, वो तो कहते थे कि आ गया है लाल निशान लूटने वालों सावधान, इस प्रकार से उसी इलाके में। तो हम तब जब हमने गांव-गांव में महिलाओं को कहा कि यह आपका अपना अधिकार, तो उन्होंने जैसे ही कुलाड़ी वाले आए उन्होंने सीधे और सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए, उसके लिए कोई पढ़ा हुआ पर्यावरण शास्त्र नहीं कहा, बल्कि सीधे सीधे कहा कि यदि तुम पेड़ काटोगे तो हम उस पर अंगूठा, क्योंकि वो सब गांधी विचार से जुड़े हुए थे। पहले जो मीटिंग हुई थी 1 अप्रैल को, ये अप्रैल का महीना गांधी विचार के लिए, जैसे मैंने कहा कि रोलेट एक्ट के लिए अपना चंपारण वाला सत्याग्रह जितने भी हुए ये
सब या जलियांवाला बाग ये सारे अप्रैल के में, तो वही चिपको आंदोलन भी इसी अप्रैल महीने में 1 तारीख को हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई, गांव के लोग बुलाए और ये कहा कि मजदूर अब पेड़ काटने के लिए आ गए हैं, पैसा जमा कर दिया उन्होंने, क्या हो होना। तो उसमें पुरानी कांग्रेस जो जब कांग्रेस का दो वो हो गया था, नई कांग्रेस इंदिरा जी वाली थी, पुरानी कांग्रेस जिसमें मुरारजी देसाई थे और बीजे जनसंघ था उस समय और साम्यवादी पार्टी के लोग और शोषित समाजवादी पार्टी के लोग, वो भी उनके मंत्री भी हमारी मीटिंग में थे। तो हमने कहा भाई अब एक्शन करना है, सत्याग्रह करना है, क्या तरीका हो। तो किसी ने कहा कि साहब उनके कुल्हाड़े छीनो, किसी ने कहा कि ट्रक के आगे लेट जाएंगे, अलग अलग सवाल का। तो अंत में क्योंकि जो मैंने कहा कि मैंने पहले उनसे कह दिया था कि हम पेड़ों पर मुआठा मारेंगे, डीएम से कहा था कि भाई हम पेड़ों पर चिपक जाएंगे, तब तक हमने लोगों को ये जानकारी नहीं दी थी कि एक ऐसा विचार है। तो जैसे ही उस मीटिंग में हुआ किसी ने कुछ कहा, हमने कहा इससे तो हिंसा वो होगी, क्योंकि हम लोग तो गांधी विचार से जुड़े हुए हैं और इसमें मनसा वाचा करुणा किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो आखिर लोगों ने कहा कि क्या हो, तो मैंने बताया कि ये पेड़ों पर चिपकने वाला, इसमें ये तैयारी होनी चाहिए कि तुम हमारी पीठ पर कुल्हाड़ी को मारो। तो सब ने स्वीकार किया कि हाँ साहब ये विचार सबसे उत्तम है, इसमें हिंसा हिंसा की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसी भी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में हलचल बढ़ी, उन्होंने मुझे 11 अप्रैल को बातचीत के लिए लखनऊ बुलाया, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा कि इनको बातचीत पे उलझा दें और चेकोस्लोवाकिया क्या वाली कंपनी, लेकिन लोग नहीं माने। 24 अप्रैल को जैसे ये मजदूर और ठेकेदार जंगल में पहुँचे, एक मंडल एक रास्ता है तुंगना जो पंच केदार के उसके नीचे वाले साहब, वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल वो नहीं, 100 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे और पूरे जंगल, तो जैसे ही लोगों ने कहा कि हम पेड़ों पर चिपक जाएंगे तो वो फिर कुल्हाड़ी लेकर के वापस नीचे चले गए। तो पहली लड़ाई जो सफल हुई वो 24 अप्रैल 1973। उसके बाद केदारनाथ के रास्ते में आपने रामपुर फाटा जहाँ से लोग पैदल जाते थे पहले, सोनप्रयाग के पास है वो गांव, अभी वहाँ 50वां उत्सव, उसमें सैकड़ों हजारों महिलाएं आई थी जब 50वां उत्सव मनाए, तो उन्होंने चुपके से उन्होंने कहा गोपेश्वर से ये 60 मील दूर है, वहाँ तो वो चिपको वाले हैं, यहाँ तो कुछ, उन्होंने चुपके से जंगल में पेड़ छाप दिए थे। अब काटने वाले थे तो हमको भी खबर आई, वहाँ भी लोग गए, तो सब लोग हमारे गांव से 5-6 महिलाएं गई जिसमें श्यामा देवी, तो वहाँ गए तो फिर कहा, तो वो मजदूर फिर वहाँ से भी वापस लौट गए, लेकिन 25 दिसंबर को वो पेड़ काटने के लिए फिर वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पूरे इलाके के लोग फिर जहाँ वो पेड़ काट रहे थे वहाँ पहुँचे, ढोल नगाड़े इत्यादि लेकर के और चिपको आंदोलन जिंदाबाद का कर, उधर से वन विभाग के जो DFO इत्यादि थे वो जंगल में पहुँच गए थे, उन्होंने 4 पेड़ काट दिए थे, दर्जनों पेड़ काटने थे, 5वें पेड़ पर 2-4 कुल्हाड़े लगाए थे, तब तक ये लोग पहुँच गए, इन्होंने कहा कि हम उसको आपको बिल्कुल भी पेड़ नहीं। तो इस प्रकार से इन दो जगह पर, लेकिन जो उससे भी बड़ी लड़ाई हुई और जो काफ़ी पेपरों में, अलकनंदा के जलागम में जहाँ 1970 में बाढ़ आई थी उसमें फिर से पेड़ छापे जा रहे थे, तो वहाँ का एक आदमी को जो हमारे संपर्क में था उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मंडल में चिपको आंदोलन चलाया है या फाटारामपुर में, हमारे रैणी के इलाके में भी पेड़ कटने वाले हैं, क्या होगा। तो हमने कहा भाई जब तक बिना देखे हुए ये सब हो नहीं सकता है, हम वहाँ जाएंगे देखें। लेकिन वहाँ का जो ब्लॉक प्रमुख था वो CPI का था और आदिवासी उन्हीं लोगों में से था, और वो सर्वोदय के लिए जैसे कम्युनिस्ट उस समय 36 का आंकड़ा था वो हमारे सामने, तो हमको पहले तो उसी की पूजा करनी थी, पूजा माने उसको विश्वास में लेना था। तो हमने क्या किया कि जैसे वो गोपेश्वर आया उसका कहा कि भाई तेरे आपके बारे में सुना जा रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम्हारे काम को देखने हम भी आते हैं, तो वो हमने एक पदयात्रा निकाली नवंबर 1973 में, और उसमें वो ब्लॉक प्रमुख भी था जो CPI का था,
और जो हयात सिंह जिसने कहा कि हमारे इलाके में पेड़ काटे जा रहे, और इसके अलावा वहाँ के जो जिला परिषद के एक नोटिया था और दो तीन सभापति, हम 5-7 लोगों ने 5 दिन तक उस पूरे इलाके के। तो पहले तो हमने वो विकास वाली ही बात कही कि प्रमुख जी आपका काम बहुत अच्छा था। फिर जहाँ 1970 में लैंडस्लाइड के कारण ऋषिगंगा में अलकनंदा में बाढ़ आई थी, उस इलाके में लोगों को कहा कि ये बाढ़ कब आई, तो पता चला कि 1970 में क्यों आई कि साहब यहाँ जंगल काटे गए थे और पेड़ नष्ट हुए, वहाँ लैंडस्लाइड। तो हमने कहा फिर छप रहे हैं, फिर से इस इलाके में पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने फिर कहा कि फिर से बाढ़ आएगी, तो हमने कहा ये रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार करेंगे, तो हमने कहा फिर मंडल और गोपेश्वर का उदाहरण दिया कि वहाँ। तो वन विभाग ने ये किया कि जैसे ही उसकी नीलामी हुई, नीलामी में भी हम पहुँच गए थे कि भाई ठेकेदारों को कि आपको वहाँ चिपको आंदोलन का सामना करना। फिर गोपेश्वर PG कॉलेज के लड़के गए वहाँ कि इस इलाके में फिर से बाढ़ आएगी तो हमारे पढ़ाई पर असर पड़ेगा, इसलिए हम भी चिपको आंदोलन। तो मुख्यमंत्री को तार इत्यादि देने के बाद भी ठेकेदार वहाँ पहुँच गया सैकड़ों मजदूर लेकर के, और जो कंजर्वेटर था उन्होंने गोपेश्वर में मेरे साथ मीटिंग रखी और कहा कि औरों से हम निपट जाएंगे, आप मत जाओ। मैंने कहा मैं रहूँ ना रहूँ आंदोलन, क्योंकि जो हमने पहले पदयात्रा की थी उस समय महिलाओं ने कहा कि ये अजनबी लोग, मैं वहाँ से 60 किलोमीटर दूर से अकेला था समझे, बाकी सब स्थानीय प्रधान इत्यादि थे। तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, वो चुपके से वहाँ उन्होंने मजदूर भेज दिए। और उस गांव में महिलाओं तो हमारी मीटिंग में नहीं थी, वार्ड कमेटी हमने पुरुषों की बनाई थी। मुझे भी गोपेश्वर में कंजर्वेटर ने बातचीत के लिए रोक दिया था, और उस जो वहाँ के पुरुष हैं उनको भी 60 मील दूर किसी कार्यक्रम के लिए बुला दिया था। हुआ यह कि उस इलाके में जहाँ पेड़ काटे जाने वाले, उस दिन पुरुष कोई भी नहीं था। अब पुरुष जैसे ये मजदूर और ठेकेदार के लोग एजेंट इत्यादि पहुँचे, तो गांव की महिलाओं ने कहा कि भाई यहाँ न चंडी प्रसाद है न और लोग हैं, यदि जंगल में ये पेड़ काट देंगे तो दोबारा चिपकाया नहीं जा सकता, और ये पेड़ कटेंगे तो हमारा बकर मन हमारे खेत इत्यादि नष्ट होकर 1970 की जैसी। तो महिलाएं सीधे सीधे जंगल में गई और उन्होंने ठेकेदार से पेड़ काटने वालों से कहा कि ये जंगल हमारा मायका है, जैसे किसी भी महिला को मायक मान जिससे वो करती है, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि इस जंगल से हमको जलावन लकड़ी चारा कई प्रकार की जंगली सब्जी जंगली फल इत्यादि प्राप्त होते हैं औषधीय पाद, तुम इस जंगल को काटोगे तो हमारी पूरी आर्थिकी पर माने हमारे अस्तित्व पर। तो 5-6 घंटे तक वो केवल 27 महिलाएं थी, उसमें 6 महिलाएं तो ऐसी थी जो 12 बरस से छोटी थी, लड़कियां थी। तो अंत में 5-6 घंटे बाद वो वापस आए। एक जगह पर वो ऋषिगंगा है नंदा देवी बाई, तो चट्टान था नीचे ऋषिगंगा है, तो वहाँ पर सर्वे करने के लिए लेंटल से इतना ही चौड़ा एक रास्ता बना, महिलाओं ने पहले वो रास्ता तोड़ा जिससे ये रात को न जा सके जब वो सारे मजदूर नीचे आए। तो इतना उनका अपने जंगल पर, और उन्होंने तत्काल गोपेश्वर भी खबर भेजी उनके पुरुष और मैं भी, जैसे 26 मार्च को ये घटना हुई 27 तारीख 10 बजे हम पहुँच गए। तो महिलाओं को उन्होंने अलग अलग ढंग से डराया धमकाया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो जंगल बचाने की बात करें। फिर हम भी गए, हमने कहा कि अब जो कुछ भी होगा हम अगली लाइन में हम रहेंगे यदि जेल जाने की बात हो। तो इस प्रकार से पूरे इलाके के लोग वहाँ पर 10-12 गांव जो आदिवासी जिनको भोटिया कहते हैं जनजातीय लोग सारे इकट्ठे हुए, और लगातार 15 अप्रैल तक वहाँ पर सतत मीटिंग जुलूस इत्यादि होते रहे। और उसके बाद लखनऊ से बातचीत के लिए बुलाया गया और वो एक चिपको आंदोलन कमेटी बनी। तो उस कमेटी में हमने कहा कि भाई आप केवल लखनऊ में जाकर के मीटिंग मत कीजिए, वहीं इलाके में जाइए। वहाँ पर निर्णय होने लगा जोशीमठ में कि साहब ये वो है क्या हुआ, माने पेड़ जो है नियम के अनुसार छपे हुए हैं तो पेड़ काटने से कोई गड़बड़ नहीं। तो हमने कहा हमारा डिसेंट नोट जाएगा, मैं भी उसमें मेंबर था।
तो ये सुनकर के जो चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा कि पूरी कमेटी ऊपर के इलाके में जाएगी, माने 13,000 फीट की ऊंचाई पर, और एक कुंवारी पास जहाँ पेड़ नीचे के इलाके में पेड़ कटने वाले थे उसके ऊपर के इलाके में जाएंगे, तो वहाँ से देखेंगे कि वास्तव में ये इलाका भूगर्भीय दृष्टि से, मौसमीय दृष्टि से, जो ये कह रहे हैं गांव के लोग कि ये कमज़ोर है, ये इलाके में पेड़ फिर से काटे जाएंगे तो फ्लड आएगा, तो ये कहाँ था। तो उस कमेटी ने कहा कि जो गांव के लोग अंगूठा छाप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और ये रिकमेंडेशन हुआ कि उस पूरे 1200 न केवल ऋषिगंगा में बल्कि नंदप्रयाग है एक इलाका, वहाँ से लेकर के और ऋषिगंगा तक माने रेणी तक पूरा इलाका प्रतिबंध के लिए संस्तुति की गई। फिर हम लोग सचिव के पास गए कि संस्तुति को तत्काल लागू करवाए, तो 1976-77 से वहाँ पर पेड़ों की कर। लेकिन एक तरफ तो ये काम था कि साहब पेड़ों संघर्ष का काम, पेड़ों को बचाने का काम, दूसरी और रचना का काम शुरू किया, जो सबसे पहला कार्यक्रम हुआ, जैसे आपने सुना होगा स्पीच, जोशीमठ जो है पूरा धंस रहा है, और जोशीमठ तो एक ऐतिहासिक नगर है जो शंकराचार्य ने जिसका नाम ज्योतिर्मठ माने प्रकाश का केंद्र बिंदु समझ, वो पूरा धंस रहा था उस 1976 में भी। तो मैं उसके पास के गांव वालों ने कहा कि वहाँ धंस रहा है, तो वहाँ स्थिति को समझ करके एक नोट बनाया, उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री उत्तर, उनको चिट्ठी लिखी कि जोशीमठ की यह हालत है। दूसरी और गोपेश्वर का जो पीजी कॉलेज है कलमुड़ा, अल्मोड़ा का पीजी कॉलेज, वहाँ से 150 लड़कों को साथ लेकर के 50-50 के ग्रुप में उस इलाके में जोशीमठ जहाँ धंस रहा था उसके निचले इलाके में पूरे पेड़ काटे गए थे, तो हमने कहा यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना। तो वहाँ पर इतफाक से जब हमने वहाँ दीवार बना रहे थे, पिट्स बना रहे थे, गड्ढे इत्यादि पेड़ लगाने के, तो डीएम को पता चला, भूरे लाल जी थे और उनके साथ जो वन विभाग इत्यादि के लड़के लोग वहाँ क्या हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि वहीं हमने टेंट इत्यादि गाड़े थे, वहीं रहते थे, वहीं प्रार्थना इत्यादि और श्रमदान कर। तो जब भूरे लाल जी आए तो उन्होंने देखा वहाँ बड़ी बड़ी दरारें पड़ी, तो उस समय उनके सब थे कि जो आप आज कार्य कर रहे हैं पसीना बहा रहे हैं, कल को ये खून का काम। तो उसके बाद उसी हमारी चिट्ठी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ पर तत्कालिक मिश्रा जी कमिश्नर से उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, मुझे भी उसमें विशेष आमंत्रित रखा गया, भूरे लाल जी संयोजक थे, और उस कमेटी ने कहा कि एक तो पेड़ों का कटान, दूसरे कारतूस के धमाके नहीं होने चाहिए, सुरक्षात्मक और निरोधात्मक वो उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल वो पानी का जो वहाँ पर अनियंत्रित बहाव हो रहा था उसके लिए कुछ कार्य भी किए, और हम लोगों ने नीचे से वो पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया। तो वो लड़के जो उस समय सम्मिलित हुए थे आज वो देश में चाहे सरकारी नौकरी में है या कई वन विभाग में कोई इसमें प्रशासनिक सेवा में, तो अपने अपनी सेवा में रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण काम पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के लिए। तो एक और संघर्ष का जो है कि पेड़ बचाओ, दूसरी और रचना का काम, एक तो वो जोशीमठ में जो रचना का काम उसका बहुत असर पड़ा, उसके बाद जो 1977 में जो बाढ़ से जो इलाका अस्थिर हो गया था, जहाँ जंगलों की कटाई पूर्व में हो गई थी, कुछ लैंडस्लाइड के कारण जंगल नष्ट हो गए थे, तो वहाँ पर हमने इको डेवलपमेंट के मुख्य रूप से उसके आसपास के गांव की महिलाओं को बुला करके और जगह जगह उन्होंने अपने अपने इलाके में हरियाली का काम वो कर, यहाँ से पूना से कई जगदीश गोडबोले इत्यादि ये ग्रुप के ग्रुप लेकर के ये भी सम्मिलित हुए, तो उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव उसमें पड़ा, और जहाँ जहाँ ग्रीनरी आ गई थी, बल्कि उसको इसरो ने भी उसका मूल्यांकन किया कि 1977 में क्या स्थिति, 1979 में क्या स्थिति थी, 1982 में क्या परिवर्तन हुआ, फिर 1992 में क्या परिवर्तन, वो जमीनी स्तर पर भी गए और उपग्रह से भी उन्होंने देखा। तो जहाँ पेड़ों पर बचाने के लिए चिपको आंदोलन चला, एक तो उस इलाके का अध्ययन किया जहाँ नंगे वृक्ष भी इलाके थे, जहाँ गांव की महिलाओं ने गांव के लोगों ने हरियाली, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया, उसमें एक तरफ से अभूतपूर्व साइंटिफिक रिपोर्ट, उनकी दो रिपोर्टें हैं जो दसोली
ग्राम सड़क। तो इस प्रकार से एक तरफ से संघर्ष का दूसरी ओर राज्य, और संघर्ष में यही तक सीमित नहीं रहा। जैसे वैली ऑफ फ्लावर के निचले भाग में भी पेड़ कटने वाले थे, वहाँ भी गांव की बहनों ने सीधे आंदोलन चलाया, तो वो भी रुका। इसके अलावा क्योंकि जो रैणी आंदोलन था उससे तो 1200 वर्ग किलोमीटर का इलाका, एक इलाके नाम था डोंगरी पंचोली, वहाँ क्या हुआ कि हॉर्टिकल्चर वालों ने डीएम के माध्यम से कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ यदि ये तुम हॉर्टिकल्चर के लिए जो ये 100 एकड़ का जो जंगल है उसको काट करके इसमें उद्यान बना देंगे या बीजों का वो कर देंगे तो इससे आपका लाभ। वो जो जंगल था वो लोगों की खेती के अगल बगल का था, और गांव के पुरुष तो उसमें आ गए हैं लोभ में कि मोटर रोम, उन्होंने कहा कि ये यहाँ ये फार्म बनेगा तो इसमें क्लास वन ऑफिसर आएगा, उसके लिए मोटर रोड बनेगी, अस्पताल बनेगा, हाई स्कूल बनेगा। इस प्रबंध से उन्होंने वो तो प्रस्ताव कर दिया। जैसे ही पेड़ कटने लगे तो महिलाओं ने कहा कि ये पेड़ कटेगा तो इसका सीधा असर हमारी खेती बाड़ी पर पड़ेगा, हमारे चरावन पर जलावन पर पड़ेगा, चारे पर पड़ेगा, इसलिए ये जंगल नहीं कटना चाहिए। ठेकेदार के साथ विरोध किया तो उन्होंने कहा तुम्हारे पुरुषों ने तो हाथ काट करके प्रस्ताव करके दिया है। तो गांव के पुरुष एक तरफ हो गए, महिलाएं, यहाँ तक कि जो गांव का सरपंच था क्योंकि उसके हस्ताक्षर से वो प्रस्ताव गया था, तो उसकी पत्नी का चूल्हा अलग हो गया, इतना तनाव हो गया और पुरुष। तो ये खबर जैसे ही हम लोगों के पास आई, लोग वहाँ गए, महिला मंगल दल संगठित किया, और जब रजत कुमार जो इनके श्रीमन नारायण जी के लड़के हैं IAS, वो DM थे, तो वो वहाँ उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। तो वो जब गांव में गए तो गांव की महिलाओं ने कहा कि भाई जी जब गांव जंगल का सारा कारोबार हम करते हैं तो जंगल को काटते समय हमें क्यों नहीं पूछा गया। एक तरफ से अधिकार का सवाल उन्होंने उठाया और उन्होंने कोर्ट पकड़ दिया कि अभी निर्णय करो। अब वो उनको और गांव के पुरुषों को बहुत ही धक्का लगा कि ये गांव की महिलाएं ऐसे सवाल उठा रहे हैं। तो अंत में वो कमेटी बनी, और क्योंकि वो 10 एकड़ तो उन्होंने काट दिया था और 90 एकड़ बचा दिया, तो महिलाओं ने कहा कि ये तो हमारा अधिकार है, यहाँ स्कूल होनी चाहिए, मोटर रोड आनी चाहिए, क्योंकि सड़क से 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पर गांव था, वो जाने आने में दिक्कत तो थी, ये तो हमारा अधिकार है पर ये जंगल काट करके क्या हुआ। तो इस प्रकार से उनको फिर चमोली जिले की 30 महिला मंगल दलों को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था, जिसमें इन्होंने जिन्होंने पेड़ काट, एक गांव की बात नहीं है बल्कि 30 महिला मंगल। तो इस प्रकार से इसमें अधिकार का सवाल, अलग अलग सवाल। एक जगह क्या हुआ कि बांध ओक वृक्ष कहते हैं उसको, वो बहुत ही आयामी पेड़ है, उससे चारा जलावन और ज़मीन के लिए बहुत ही उपयोगी थे। तो वन विभाग वालों ने क्या किया कि चीड़ का रोपण कर दिया था उसके बीच। अब चीड़ का रोपण करके वो बांध का जंगल तो नष्ट हो जाएगा। तो सवाल उठाया वन विभाग वाले माननीय इन लोगों ने, जिसमें ये ओम प्रकाश भी थे, तो ये सब पैदल यात्रा की। और उस दौर में जैसे दक्षिण में बंगलौर इत्यादि के पास पेड़ को उखाड़ने का वो था, तो हमने कहा भाई, इन्होंने कहा कि यदि पेड़ उखाड़ेंगे तो वो नष्ट होंगे, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने गलती की है वही इस पेड़ को वो करें और जो उपयुक्त जगह है वहाँ लगाएं, जो बिना पेड़ वाली जगह है वहाँ से। तो दो बार वहाँ मीटिंग हुई और आखिर मजिस्ट्रेट और जंगलात के लोगों ने झुक कर के फिर वो वहाँ से वो जो गलत पेड़ लगाए थे बांध के जंगल के वहाँ से वो निकाल करके उन्होंने जिस ऊंचाई में वो लगने चाहिए जिस भी राम जगह वहाँ उन्होंने, क्योंकि सरकार तो बहुत भयभीत हो गई थी कि ये उखाड़ेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी, मजिस्ट्रेट भी वहाँ पर था। तो ये अलग अलग ढंग से मतलब यह कि वही बोले, जैसे उसी बीच में वो बद्रीनाथ वाला जो संस्कृति है सामाजिकता का वो है, वो भी 1974 में क्या हुआ कि बद्रीनाथ मंदिर, मैं अभी चर्चा कर रहा था कि वो केदारनाथ का मंदिर काफ़ी ऊंचा है, गोपेश्वर का भी ऊंचा है, देवप्रयाग का भी, बद्रीनाथ का मंदिर काफ़ी छोटा है। तो बिरला जी जो हैं जयश्री ट्रस्ट, उसको 78 फीट ऊँचा बना रहे थे,
तो हमें किसी ने खबर दी कि वहाँ ये इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। तो मैं वहाँ जो पुराने रावल थे, जो नमुद्री थे केरल से, जो पूजा कर रिटायर होकर के जो स्मर्थ थे, हमने कहा महाराज क्या ये सब ठीक? उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि जो पुराने लोगों ने जो छोटा बनाया, काफ़ी सोच समझ करके बनाया होगा, अब ये बड़ा बना रहे हैं, तो वहाँ क्योंकि एवलांच आता है उससे नष्ट हो जाएगा ये सर। तो हमने कहा क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि उसकी शक्ति पर भरोसा करो। तो फिर हम दिल्ली में एम एन देशपांडे डायरेक्टर जनरल थे पुरातत्व के, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ये पुरातत्व का तो अभी बैजनाथ मंदिर में कोई हुआ ही नहीं, पर यदि आप इसको 10 दिन में रोक देंगे तो फिर हम सोचेंगे क्या होगा। तो लखनऊ गए, लखनऊ मुख्यमंत्री जी ने तो सुबह टाइम दिया, शाम को कहा था कि लिख करके दे दो, शाम को फिर हमको वापस लौटा दिया गया। तो जितने भी वो विरोधी दल के नेता थे सबको हमने वो चिट्ठी कि बद्रीनाथ में ये गड़बड़, उन्होंने फिर विधानसभा में हो हल्ला किया होगा और वो काम को रोकने का आदेश मुख्यमंत्री ने फौरन दे दिया। तो इस प्रकार से फिर वो बाद में जो एम एन देशपांडे की कमेटी बनी, तो उन्होंने कहा कि जो ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर से जो नारायण पर्वत है वो आईब्रो की तरह है, माने जैसे आँख के ऊपर से ये भौं है वो आँख को बचा देता है, वैसे ही वो नारायण पर्वत जो है एवलांच को इधर से इधर, और कई बार वहाँ नष्ट हो जाते हैं जो अन्य धर्मशाला इत्यादि मकान है। तो उन्होंने कहा जिन पुराने लोगों ने ये मंदिर वो किया होगा, तो उस ये सोच समझ करके ही ये उन्होंने, क्योंकि वो कुल 30 फीट 35 फीट ऊंचा मंदिर है और बिरला जी 78, क्योंकि वो जो अवलांश हैं सूखे अवलांश उनका ये मानना था। तो आखिर में वो जो बिरला जी 22 फीट ऊंची उन्होंने सिमन सरिया कंक्रीट की जो दीवार बना दी थी वो छेनी से तोड़ करके अभी वो पुराना मंदिर ज्यों का ज्यों वो है। तो इस प्रकार से वो केवल पेड़ बचाने के लिए ही नहीं, अपनी संस्कृति को, सामाजिकता को के लिए भी लोगों ने, और यही नहीं, ये चिपको आंदोलन के द्वारा एक बार क्योंकि गोपेश्वरी में एक सम्मेलन हुआ था और वो लोग उसमें से जैसे बलराजपुरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पत्रकार थे वो जम्मू के, ये भी गोपेश्वर सम्मेलन में आए थे सर्वोदय, उसके बाद बद्रीनाथ गए नारायण भाई देसाई इत्यादि बद्रीनाथ में, उस दिन हम लोग भी चले गए। तो बलराजपुरी ने कहा कि भटजी ये हम अपने देश में विदेशी हो गए। मैंने कहा क्यों? तो वो मुझे वहाँ जहाँ बस का टिकट कटता था वहाँ ले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोकल लोग हैं उनको बद्रीनाथ से ऋषिकेश तक का 37 रुपया किराया पड़ेगा और जो यात्री हैं उनको 54 रुपया, माने 1.5 गुना ज़्यादा। तो उन्होंने कहा ये कहाँ का वो है, माने बेड सीट तो दोनों वो कर। तो जो RTO इत्यादि थे कमिश्नर, उन्होंने सोचा कि भाई और मोटर मालिक वो मिल करके कि ये जो लोकल लोग हैं इनका किराया बढ़ाते हैं तो ये तो आंदोलन करेंगे, लेकिन यात्री बेचारा क्यों आंदोलन करेगा, इसलिए ये चलने दो, मतलब एक उनको लाभ पहुंचाने। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो हमने कहा भाई अब बस कोई नहीं जाएगी, तो हमने वहाँ पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। हम दो लोग थे, फिर बलराजपुरी इत्यादि ये भी, क्योंकि यात्री बेचारा तो टिकट लेकर के जल्दी में भागना चाहता है, अब पैसे पूसे जो बड़े लोग हैं वो तो दे देंगे, लेकिन गरीब आदमी उतना माने जो 15-20 रुपया ज़्यादा लिया जा रहा था उनको उसका कोई। तो आखिर 6 घंटे तक जब पूरा ट्रैफिक हम लोगों ने रोक दिया था, उसमें हिंसा नहीं बल्कि उल्टा उन्होंने हम ही को रगड़ा वहाँ जो वो थे ना जिससे वो। तो 6 घंटे बाद मजिस्ट्रेट आया, RTO आया, उन्होंने लिख करके दिया कि ये किराया समाप्त। तो बलराजपुरी ने कश्मीर टाइम्स में बहुत अच्छा लेख लिखा था सर्वोदय के बारे में कि गांधी विचार के अनुरूप ये। तो इस प्रकार के जो भी अन्याय के वो होते हैं, लेकिन उसमें सौम्य से सौम्यतर सौम्यतम, माने जो गांधी जी का मूल रूप से जो शांति का विचार था और उसके साथ साथ जो अहिंसा में मनसा वाचा कर्मणा, अपनी ओर से नम्रतापूर्वक अभी भी जो छोटे मोटे भी वो जो हमने सबसे पहला सत्याग्रह किया था, हमारे यहाँ से 22 लोग
लखनऊ होते हुए इलाहाबाद और वहाँ से रायपुर सर्वोदय सम्मेलन में जाना था। तो लखनऊ से ट्रेन में हम लोगों ने ये सीटिंग का रिजर्वेशन किया था। उस ज़माने में 100 रुपया एक सीट का पड़ता था, ये 64 की बात होगी। तो हुआ ये कि जैसे ही हम स्टेशन पर आए, अपना डब्बा ढूंढा, सीट देखी, तो वहाँ सारे के सारे पुलिस वाले बैठ गए थे हमारी सीट पर। हमने कहा ये तो भाई ये तो हमारी सीट है। 20-22 लोग थे, सब कोई कंबल, वो काला कंबल पहनते हैं ना हमारे यहाँ बहने, और ये जो ऊनी कपड़े गरु पहाड़ी वो सब पहन करके थे। तो वो कहने लगे अरे पहाड़ियों भगो भगो। तो हम लोग बाहर आ गए, हमने कहा हम तो इसमें जाएंगे नहीं। तो स्टेशन मास्टर को खबर की कि भाई हमारे उसमें वो भी असहाय लगा, वो सीआरपी वाले कुछ जा रहे थे। उसके बाद हमने वहाँ हमारा मंत्र जय जगत उस जमाने में था, और भूदान ग्रामदान के नारे लगाए और कुछ नहीं। ट्रेन बढ़िया आगे, लखनऊ से इलाहाबाद जाना था, तो वो करीब 500 मीटर आगे बढ़ी, फिर वो वापस लाए। वो आए हमारे पास कि बैठो बैठो। हमने कहा भाई जब तक सीट खाली नहीं होती है हमें ये अन्याय। वो अंदर से छीटा कैसी करने लगे, क्योंकि हमारी वेशभूषा इत्यादि देख करके महिलाओं की। तो उस सबसे क्या हुआ कि अंत में वो फिर 1 किलोमीटर तक ट्रेन आगे बढ़ी, हम तो वहीं जमे रहे स्टेशन पर। बाद में क्या हुआ कि वो ट्रेन वापस आई और फिर पूरा डिब्बा उन्होंने अलग से लगाया, उसमें बैठ करके फिर वो जय जगत के नारे स्लोगन उसमें गाँव गाँव में गाँव स्वराज वो सारे वो करके इलाहाबाद में जब उतरे, तो पहले तो वो सारे यात्री बहुत दुखी थे कि इनके कारण 1.5-2 घंटे लेट हो गए। पर फिर वहाँ पर वो बड़े सम्मान के साथ देखने लगे। वहाँ से हमने फिर दूसरी ट्रेन पकड़ी जो रायपुर के लिए जाती। तो इस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ, तो ये छोटे मोटे कहीं पर किसी ने हमारे साथी ने माना लेबर कोऑपरेटिव के उसके लिए 100 रुपया दे दिया कैशियर को। तो जैसे ही समिति को पता चला तो ये गलत है, तो वहाँ गए तो उसने 100 रुपये के साथ साथ आने जाने का खर्चा भी दे दिया और वापस वो कर दिया। तो इसमें आत्मविश्वास की, तो इस प्रकार के छोटे मोटे आंदोलन, और मुख्य रूप से जो न केवल जोशीमठ को बल्कि अलग अलग इलाकों में जो हरियाली लाने के कार्यक्रम हैं वो तब से आज तक भी चल रहे हैं। और जैसे इन लोगों ने नया फाउंडेशन इत्यादि बनाया है, तो 2 अक्टूबर 2018 से लेकर के और 2 अक्टूबर 2019 तक इन्होंने पूरे उत्तराखंड में यात्रा निकाली, और उसमें गांव की महिलाएं भी सम्मिलित हुई। हर स्कूल में गांधी विचार को लेकर के, चाहे वो चंपारण की घटना हो, ये अपना रोलेट एक्ट की बात हो, या जो अलग अलग वो थे 1942 का क्विक इंडिया मूवमेंट, इस सब के बारे में बताया, और हर स्कूल। तो इस प्रकार से नम्रतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं। बीच में जब कोरोना आ गया था तब से कुछ बंद हो गए हैं, लेकिन उससे पहले तक ये कार्यक्रम वहाँ पर चल रहे हैं। बताया नहीं कि उस ज़माने में भूदान यज्ञ के 100 ग्राहक थे पूरे उसमें, जिसमें से 20 ग्राहक तो केवल बद्रीनाथ में ही भूदान यज्ञ पत्रिका निकलती थी। तो आज भी गांधी विचार के लिए वो तो हैं, लेकिन आज जैसे वो हो रहा है कि कुतर्कों के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है, तो ये सारी समस्या तो है ही। तो आज आवश्यकता यह है कि कोई ना कोई उपक्रम इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना चाहिए, जो गांधी विचार को और जो रचनात्मक कार्यक्रम है उसको वो कर। आज जो हम महसूस कर रहे हैं पुरुषार्थ जगाने का काम बिल्कुल शिथिल हो गया है, और उसके साथ साथ जो ज्ञान अर्जन करने का माने सही दिशा, तो वो कैसे बच्चों तक हमारी जो अगली पीढ़ी है उस तक वो हो जाए। तो ये सारी घटनाएं जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं चिपको आंदोलन की, और जैसे मैंने बताया ये मेरा सौभाग्य है आज 6 अप्रैल को यहाँ पर आपने उपस्थित होने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। कोई प्रश्न?
काफी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बोला, बहुत बहुत जानकारी आदरणीय श्री चंडी प्रकाश जी आदरणीय श्री चंडी प्रकाश जी आपकी उपस्थिति से हम अत्यंत सम्मानित हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि आपका संभाषण यहाँ मणि भवन में सुनने को हमको सुनहरा अवसर मिला है आज। आज की पीढ़ी को अगर संतुलन रखना है पर्यावरण को बचाने के लिए और विकास करने के लिए तो गांधी विचार और गांधी आदर्शों पे चलने का उनके लिए अनिवार्य है। श्री ओम प्रकाश जी आपका भी विशेष आभार और सभी मेहमान यहाँ पे जो उपस्थित है आपने अपना समय निकाल के यहाँ पे आए इसके लिए खूब खूब आभार। कुछ सवाल ये भी पूछ लेते हैं, कुछ सवाल लोग नहीं, आपने तो सभी सवालों के जवाब दे दिए। मैं यही पूछना चाहती थी कि जो आपके संभाषण में से बहुत स्पष्ट हो गया है कि आपने गांधी विचार को किस प्रकार से अपने जीवन में कार्यान्वित किया है, और दूसरा मेरा प्रश्न था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, तो उनके बारे में भी इन्होंने बता दिया। तीसरा मैं चाहती थी कि कम्युनिटी वर्क या जन समाज के साथ कैसे काम करें, तो ये बात भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाई है, और ख़ास करके कि अपने विरोधियों से भी चाहे कितने बड़े अधिकारी हो किस प्रकार नम्रता से बात करें लेकिन अपने सिद्धांतों पर खड़े होकर, तो यह बात आपने बहुत सुंदर तरीके से बताई है। और यह आज का यह बहुत शुभ संयोग है, संगम है कि एक तो 6 अप्रैल है, राष्ट्रीय सप्ताह है, और चिपको आंदोलन के भी 50 साल पूरे हुए हैं, और आप यहाँ पर आए हैं, यह हमारा बहुत ही सौभाग्य है, क्योंकि मैंने इनको आमंत्रण दिया था 3-4 साल पहले, लेकिन मेरे आमंत्रण को मान करके मणिभवन तक आए यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि मणिभवन तो हम सबके लिए एक तीर्थ है, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू संजीव जी, आपका परिचय करा। बहुत स्वागत करती हूँ आपका, मुझे आपके लिए बहुत सम्मान है। मुझे ये बताइए कि अब क्या इस वक्त इस समय पहाड़ों पे पेड़ अभी भी कट रहे हैं या लोग बचा रहे हैं, या कुछ आपको लगता है आपका आंदोलन सफल हुआ है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण, मैं इस बात को समझा नहीं पाया जी। कि आज माने ये कोरोना से पहले तक लोग कितने सक्रिय थे, जैसे मुख्य कोई बहुत बड़ा क्षेत्र मैं नहीं, लेकिन एक मुख्य रूप से जो बद्रीनाथ वाला इलाका है जो 1970 के बाद वहाँ गांव-गांव में महिला मंगल दल, पहले महिलाएं क्या करती, रघुपति राघव राजा राम को सफाई कर दिए और हो गए अपने। लेकिन इस आंदोलन के कारण एक तो वो अपने भले बुरे के बारे में समझ रही है और उठ रही है और अपने मुद्दों को साफ साफ समझती है कि जंगल के साथ हमारा कैसा रिश्ता है। वो आज भी कहीं भी वो होता है, कई जगह तो ये हुआ कि बाद में हमको खबर दी वन विभाग वालों ने कि साहब अमुक जगह आंदोलन हो कर दिया आपने, जबकि हमको जानकारी नहीं थी। लोग स्वयं उस कार्यक्रम को, जैसे वैली ऑफ फ्लावर के नीचे जंगल कट रहा था तो महिलाओं ने स्वयं रोक दिया और वन विभाग वालों ने कहा कि साहब आपने उत्पात कर दिया, जबकि हम वहाँ बाद में गए कि इनका कोई दमन न करे, उनका जो पुरुषार्थ जगाने के लिए ना वो। दूसरा जो ये इको डेवलपमेंट कैंप करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रचना का काम जिसका सरकार पर इतना दबाव पड़ा
कि सरकार ने मतलब यह है कि उनको हिम्मत नहीं हुई कहीं, जैसे रेणी में वन विभाग के लोग डीएम के पास गए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस दो। उन्होंने कहा ये तो कह रहे हैं कि पेड़ों पर हम चिपक जाएंगे, महिला जी यहाँ पुलिस देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। माने उस डीएम का भी कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और जिन्होंने वो कमेटी पहले जिन्होंने कहा कि ये पेड़ कटने से कोई बाढ़ बूढ़ नहीं आते, कल को वो जो रिकमेंडेशन थी वो वन विभाग के ही अधिकारियों ने लागू की। तो वो गांधीयन आइडियोलॉजी का जो विरोधी थे वही बदल गए, भले ठेकेदार बदले हों या न बदले, पर अधिकारी इको डेवलपमेंट कैंप में लगातार भाग लेते रहे। और एक दो जगह ऐसा हुआ कि डीएफओ ने स्वयं कहा कि अमुक जगह भी यदि पेड़ कटेंगे तो लैंडस्लाइड होगा, और वर्किंग प्लान जो है हमारे लिए गीता है, उसके आधार पर हमको पेड़ काटना है, लेकिन अब यहाँ यदि पेड़ काटेंगे तो लैंडस्लाइड होगा, आप उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे कि हम अमुक जंगल में चिपको आंदोलन चला देंगे। सरकार हमको पूछे कि डीएफओ को, तो हम कहेंगे हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये गांधीयन उसका ही एक वो उन तक का भी परिवर्तन हो गया था। जो कंजर्वेटर जिसने वन सचिव था और मुख्यमंत्री भी सामने थे, मैंने उनको पूछा कि आपने रेणी इत्यादि के जंगल में पेड़ काटने के लिए इजाज़त कैसे दे दी, वर्किंग प्लान में क्या मौसमी है या भूगर्भीय अध्ययन किया, और दस्तखत तो आप कुमाऊं के कंजर्वेटर थे, आपने दस्तखत किए, तो आपने जंगल देखा? उन्होंने कहा नहीं देखा। माने उन्होंने वो सत्यता की बात कही कि मैंने जंगल नहीं देखा, तो हमने तो फॉरेस्ट गार्ड के आधार पर दस्तखत कर दिए थे। तो हमने कहा इसके आधार पर आपने वो किया तो ये तो बहुत ही, तब उन्होंने कमेटी बनाई। हमने तथ्यात्मक आधार पर माने जहाँ जहाँ चमोली वालों ने चिपको आंदोलन चलाया वहाँ बिल्कुल फैक्ट पहले कटे किए कि आप ये पेड़ काटेंगे तो ये दुष्प्रभाव। आपने पिछले साल सुना होगा 2021 में पूरा ग्लेशियर आ गया था, 205 लोग, उसके बारे में भी लिखित में दिया था। और इन्होंने नंदा देवी बारिश पर के मुहाने पर प्रोजेक्ट बना दिया था हमको, क्योंकि वहाँ कोई बस्ती थी नहीं, हमको जानकारी थी नहीं। जैसे ही जानकारी हुई पत्र दिया, तो मतलब यह है कि वो ठेकेदार इत्यादि सभी मिल करके, पहले तो वो इलाका पूरा वर्जित था। तो आज सवाल यह है कि अलग अलग स्तर पर बात है, लेकिन महिलाएं जहाँ की जागरूक है, कई जगह वो उन्होंने तो सूखे पेड़ों पर भी रोक लगा दी थी। एक बछेर का पेड़, उन्होंने कहा कि यहाँ सूखे पेड़ भी आप काटेंगे तो वो गिरेंगे, मिट्टी का सोयल इरोजन उससे भी होगा। तो उन्होंने बिल्कुल बछेर की बात है, ये सारी कहानियाँ अलग अलग जगह ना इसमें प्रचार इत्यादि हम लोग उससे, जैसे आपने सुना होगा कि चिपको आंदोलन में गौरा देवी, श्यामा देवी, इंदिरा देवी, कई महिलाएं, और उन्हीं को आगे बढ़ाए। हमने तो अपने को जीरो रखने का प्रयास किया, वो तो अखबार वालों का वो है कि हमारा नाम भी वो कर लेते। आप समझ तो प्रयास ये रहा कि लोग कहेंगे कि ये जैसे अभी पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं ना, जिनको मैंने कहा हमने इसरो से भी अध्ययन करवाया, अंतरिक्ष से भी, जमीन से भी, तो जो परिवर्तन हुआ है हम वो महिलाएं कहती है ना हमने किया, और जिस दिन ये होगा कि चंडी प्रसाद ने किया हम चले जाएंगे, वो नष्ट हो जाएगा। अब वो जहाँ हमका सवाल होता है तो उसकी रक्षा फिर जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। तो इसलिए हमने प्रयास पहले से अपने को न देखने का किया, लेकिन 1974-75 में न्यू साइंटिस्ट लंदन से ना एक पत्रिका आती थी, उसमें आया था कि गांधी घोष सेव द हिमालयन ट्रीज, जो दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ था। तो अलग अलग स्तर से माने व्यक्ति के बजाय विचार को मान्यता मिली, जैसे गांधी जी भी कहते थे ना कि जब चंपारण के बाद उनका नाम बहुत आगे हो गया था, लोग जगह जगह स्टैचू मूर्ति इत्यादि बनाने लग गए थे,
तो उन्होंने कहा कि इससे तो मेरा विचार तो नष्ट हो जाएगा, मैं ही आ, तो उन्होंने चरखा जयंती कहा था ना, तो हम वो दादा धर्माधिकारी ना समझाते थे कि चरखा जयंती क्यों कहा। फिर नेहरू को भी झकमार करके बाल दिवस के रूप में मनाना पड़ा, इंदिरा जी को भी अपना, और राधा कृष्ण जी ने भी अपना वो शिक्षक दिवस के रूप में। तो गांधी ने तो पूरी व्यवस्था ही उल्टी सोच में जो है ना, रचनात्मक सोच विचार को मौता दिया जाए। आज विचार के बजाय हम, मैंने कहा ना कि कुतर्क को नए नए बहाने ढूंढने जा रहे, भाई विचार को देखो मनुष्य जा। आज गांधी का विचार तो पूरे दुनिया से जो शांति को लाना है तो गांधी का ही विचार होगा, अहिंसा मनसा वाचा करुणा। इतना सेना पर इतना खर्च हो रहा है, विकास पर तो हो ही नहीं रहा दुनिया के जितने भी देश हैं, तो इसके लिए तो गांधी का विचार ही, तो इसीलिए मार्टिन लूथर किंग इत्यादि सभी ने। धन्यवाद आपका।